हेलो रुबेन, हम बात करने वाले हैं सीमेंस की VFD का एरर है F0042 स्पीड कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन फेलियर। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, स्पीड का जो कंट्रोल है उसका जो ऑप्टिमाइजेशन होता है वो फेल हो गया। ठीक है, तो टाइम आउट फॉर द एस्टेब्लिश स्पीड, ठीक है, अलार्म वैल्यू अगर 0 आ रही है और अगर 1 आ रही है तो इनकंसिस्टेंट रीडिंग। ठीक है, रीडिंग्स, तो इस केस में आपको करना क्या है, अगर इस तरीके का कोई एरर आ जाता है तो आपको पहले जो VFD है उसके पैरामीटर्स वगैरह वो सब एक बार याद कर लेने हैं कि क्या थे हमारे, और उसके बाद VFD को रिसेट करना है। रिसेट करके मतलब फैक्ट्री रिसेट करना है, फैक्ट्री रिसेट करके वापस से रीप्रोग्रामिंग कर देंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये आपकी VFD वापस से चल जाए। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली यही होता है इस केस में कि अगर हम फैक्ट्री रिसेट करके और इसको वापस से चलाते हैं तो वो चल जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है और रिसेट होके चल जाता है। ठीक है, तो आपको ये करना है, अगर आपकी फिर भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इंक्वायरी, आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑफ मेरे चैनल पे जितनी भी VFD के फॉल्ट फाउंडिंग और ट्रिपल सेटिंग होती हैं उनकी सबकी वीडियोज़ आने वाली हैं और जितनी भी VFDs हैं सबकी, और एक बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं, वो आपके ऑटोमेशन के स्किल्स, PLC VFD स्पेशली ऑटोमेशन के स्किल्स को इम्प्रूव कर देगी और जो आपको हेल्प करेगी आपके करियर को इम्प्रूव करने में। थैंक यू।